हाँ तो बेटा प्लीज पे अटेंशन। सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लेकिन बेटा इसमें एक बड़ा टाइप जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट इज एलिमेंट। अब सेकंड वन है बेटा इट इज कंपाउंड। जरा बेटा ध्यान रखिएगा कंपाउंड क्या है। बेटा कंपाउंड क्या है? कंपाउंड द प्योर सब्सटेंस से बना होता है दैट इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। अ यूनियन, जब दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो बेटा एक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन एक चीज हमने जहन में रखना है, ए यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। ध्यान रखिएगा, बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे। जरा ध्यान रखिएगा बेटा, H2O इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन बेटा अगर हम यहां पे देखेंगे जो हाइड्रोजन है वो किस रेशियो में मिलता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास वन होता है लेकिन कितने हाइड्रोजन है? दो है, तो दो का मास टू ही होगा, टू। लेकिन बेटा आपको मालूम है एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, तो मास नंबर इसका कितना होता है 16, तो 2:16 का सब्स्टिट्यूट हो सुबह नून गोबर वन। ध्यान रखो बेटा, वाटर कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेशियो विद विच इट इज ऑब्टेन्ड। नस इस नस तो फिक्र तुम पी रेन वाटर तिलान, रिवर वाटर तिलान, डैम वाटर तिलान, पॉन्ड वाटर तिलान, लैक्स पे वाटर मिलान, वेलो पे वाटर मिलान, ओशनो पे तुम्हें बूजम ना यह ओशन वाटर ये वन H3O बूजम ना ओशन वाटर ना H2O तह गो मून बूजम जहां रिवर वाटर ना ये वन H4O तह क्या बूजम H2O वायर इट कम्स। इसका बेटा जो रेशियो होता है उस रेशियो में कभी कोई चेंज नहीं होगी। अवई वनन दपन यूस कंपाउंड चु आसन, कंपाउंड इज ए यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जी या दो को ज्यादा एलिमेंट्स ये रालन चु यूनियन गई ये रालन कंबाइन टुगेदर किस रेशियो में ये कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। वो मून गोबर अवे वो तुम ये तुम्हें वाटर, ये वाटर गोबर मून चाहे मे मोन यह वाटर रिवर पे मिलोम वह अगर रेन वाटर तथा फार्मूला तथा ना वन टू एट शबाश मून गोबर अगर वो ओशन पे आब ओन तथा ये फार्मूला H2O को तमिक मतलब इस रेशियो वन इज टू एट यह गहन की चेंज यह हमेशा गो कंपाउंडस मज तु डेफिनेशन वन मून गोबर तुम वन यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स जिया दो ज्यादा एलिमेंटन हूं यूनियन कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। गो यम कंबाइन टुगेदर इन मास हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन मन रोजान यह गेंज जरा और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। बेटा आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड की अब हम बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जरा इसका हम रेशियो देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है। भाई कार्बन का आपको मास नंबर तो मालूम होगा 12 है फिलहाल इसका मास, क्लियर इज टू। एक ऑक्सीजन का 16 है लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो बेटा 2 का तो 32 होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 12:32, क्लियर कसरा चुस तमी ठीन कसर गोबर मे तुम गोबर मे चोर सीन कसर 4:3:12:4:8 यह कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस तो रिलीज करन कार्बन डाइऑक्साइड तो पाई अगर तुम कार्बन करहुन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो पाई कोल ये साथ बर्न करन वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कोल ऐसे बर्न कोर कोल हा कोल तुम कोल चन तुम जालन छो इन मज आज तेरन गोबर मून तेज गैसेज नो कार्बन मोनोऑक्साइड बे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा ज्यादा पहन पॉइजनस आसान, कार्बन डाइऑक्साइड कम पहन पॉइजनस आसान वारिया कम आसान पॉइजनस ना यूतः तुम कार्बन डाइऑक्साइड वंकस त्रावान खुदा कहने वारे वारिया मुश्किल गई।
मगर वनुन छ मे गोवर्नमेंट बदल का तोय वछु ये कार्बन डाइऑक्साइड त्रो मेती एत सनोस ति ये कार्बन डाइऑक्साइड इम साथ स्कूल छ गोवर्नमेंट भरन ति कार मगर अच छ गोवर्नमेंट हाइटस छ सुई रेशो ये तस छ सुई रेशो मीन्स कि बेटा जो कार्बन और ऑक्सीजन है जब ये कंबाइन होते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड में इनका हमेशा एक फिक्स्ड रेशो है समझाओ गोवर्नमेंट कंपाउंड कार्बन बर्न कर कोई यही कहीं डिफरेंट सोर्स ऑफ पहले मगर एस्टिट्यूशन हमेशा रेशो इसमें कौन सा होना चाहिए थ्री इतने कर्शु गोबर में उनके डिफरेंट कंपाउंड्स इन जन चासन तो मन में चाहे हमेशा आसन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट्स सो यू प्लीज राइट डाउन थ्री गोबर में ए कंपाउंड क्या लिख उसे ए कंपाउंड इज ए यूनियन union of two or more elements two or beta no talking union of two or more elements combine together in a definite proportion of mass combined together in a definite proportion of mass combined together in a definite proportion of mass हाँ बेटा compound is a union of two or more elements combined together in a definite proportion of mass for example शाबाश हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एच एंड ओ कंबाइन्स इन अ फिक्स्ड रेशो एक फिक्स्ड रेशो में ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म H2O कंपाउंड थ्री ब्रैकेट्स में इमो बनो आप कंपाउंड गोबर में ये कंपाउंड क्या छु इज H2O शाबाश सिमिलरली बेटा कार्बन कंबाइन्स विद ऑक्सीजन with oxygen in a fixed ratio of mass in a fixed ratio of mass to form kya banate hain ye carbon dioxide to form CO2 carbon dioxide shabash कार्बन डाइऑक्साइड कैसी मगर इसमें जो रेशो होता है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रेशो है अत मजीन का चेंज गो नो तुम पाई गोबर मून अगर कल जालो तथन गोबर मून तथस नील कार्बन डाइऑक्साइड गो अस बस हे मे बी अत मे बदल कह रेशो या अगर जन ह्यूमन रिलीज कर रेस्परेशन मज या बाकी मैं रिलीज गोबर मून जब बेटा बात आएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की वनक ना वो वेन एवर यू यूज टू से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड रेशो है It is independent upon the sources from which it is obtained. You should yet that thawan gobermion darmadar ki ye kaite mil ho jaye. But when you use to say carbon dioxide, to carbon dioxide mein fixed ratio hoga. Hamesha forever, for granted, it is 3:8. By water hai,
ಮಾಸ್ಟರ್ ಓನಿಚ ಮೇ ಮುಯ್ ಮುಯ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಓಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಕಾ ನಾ ವಯಲ್ ಸು ಮಿವುಷ್ ಮಿಯೋನ್ ಗೋಬರ್ ಇಮ್ ಸಾತನ್ ಸು ವಯ ರೇಶಿಯೋ ಚು ಚಾಡನ್ ಫಿಲಹಾಲ್ ಚು ನಾ ಚು ತೈತಿ ಚು ವಯ ಕಾ ನುನಾವಸ್ ಚು ವನೆ ತೈ ಆಬಸ್ ಕ್ಯಾ ಆಬಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೇ ನಾ ದೋ ಚೀಜ಼ುನ್ ಕಾ ರೇಶಿಯೋ ಹೈ ವಹಾ ಪೆ ಆಪ್ನೆ ಉಸ್ಮೇ ವೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಲಾ ಹೈ ಔರ್ ಪಾನಿ ಬಿ ಡಾಲಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಪಾನಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೀ मगर वाटर लिसन मी वाटर जो उसमें होगा उसका हमेशा फिक्स्ड रेशियो होगा 1 क्लियर ये वो मीन को क्लियर अब है बेटा टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स थोड़ा सा ब्रीफ में हम ले रहे हैं इसको गोबर मून तो पाई उस कंपाउंड कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स जरा ध्यान शवाश मून गोबर कंपाउंड के कितने किस्म है टाइप्स ऑफ कंपाउंड तो बेटा दो किस्म है एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक और बेटा दूसरे को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है देखो बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स नॉन लिविंग सोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस गुरु मिनरल्स जिम च नॉन लिविंग रॉक्स जिम च नॉन लिविंग इनमें कोई जान नहीं होती है दैट इज व्हाई यमो पेट मच कंपाउंड्स मिले लाइक वाटर चु गुरु मियो बेरियम क्लोराइड चु बेरियम हाइड्राइड चु ठीक यम जन तो गोबर मून सल्फ्यूरिक एसिड छु नाइट्रिक एसिड ऑल ऑफ देम आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज वन हो तो थोड़ा बहुत खास चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है हाइड्रोजन और कार्बन का होना मगर तो शो पाए आम चीज वाला जरा इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूं वनु मून गोबर H2O ये छ ऑर्गेनिक की मशीन ऑर्गेनिक लॉक किया जाए तो क्या आशीर्वाद इज इट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आज आप सीखेंगे ना अब उम्र भर आपसे गलती नहीं होगी इट इज कंप्लीट इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाई भाई अगर एक होगा ना दूसरा नहीं होगा दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड गो अगर हाइड्रोजन चु कार्बन चु क्या ब्या कार्बन डाइऑक्साइड आप मुझे बताइए वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो यद्यपि यह मस्तिष्क हाइड्रोजन लेकिन कार्बन नहीं है इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं लेकिन जहां ये दोनों एलिमेंट्स है बेटा उस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और उसी को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाओ वो मून गोबर इसलिए वाटर क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या ध्यान रखिए बेटा सितारे के साथ उसमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी होता है उसमें उन गोबर लिसन मी कार्बोहाइड्रेट है ना वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्योंकि उनमें आप देख रहे हैं कि उनमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन लेकिन एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए फिर अगर कोई हीटरो एटम भी होगा तो ठीक बात है लेकिन एटलीस्ट वहां पे हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए जरा इसको देखिएगा ये क्या है ये क्या ऑर्गेनिक अच्छा मून गोबर ये क्या सच छो सी सिक्स एच ट्वेल्व ऑर्गेनिक शाबाश मून गोबर तेल लग ना तो आप पहचान गई ना तो क्लियर कि यम के ऑर्गेनिक कंपाउंड तिमन मन एटलीस्ट कार्बन तो हाइड्रोजन दोनों और इनऑर्गेनिक मन कार्बन हाइड्रोजन या बाकी एलिमेंट्स ध्यान रखिए बेटा तो अब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लीज अंडरलाइन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स छोटे मजे गोबर मून ये पसंद पड़ो
شاباش اتھ لکھو گوبر میون دوز کمپاؤنڈس those compounds which are obtained kahan se milte hain which are obtained from non living sources non living sources such as gobar mein kya dimo se such as rocks and minerals aur sorry mein rocks and duniya ek chuko gobar mein duniya rocks and minerals shabash gobar mein for example h2o shabash H2O carbon dioxide they will mean gobar H2SO4 hata sulfur kaise hai yes sir kem ka pe shabash HCl hydrochloric acid HNO3 ma iman che iska na mineral acids HNO3 etc iman gobar byak na inorganic acids kya chukwana inorganic acids या मिनरल एसिड्स कैज दीज एसिड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स गोबर में गोवाते फिलहाल एस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर नेक्स्ट क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो H2SO4 गोबर में सल्फ्यूरिक एसिड या तो बनन छ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हां बेटा ये गाइस तो मीन गोबर ये तो थोड़ा बहुत इन तो लाकट लाकट कोई सा क्वेश्चन ये बन ना 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन कंपाउंड क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है गोबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट ही हर डेफिनेशन दोस कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम अच्छा नॉन लिविंग थिंग्स देखो नॉन लिविंग थिंग्स हां सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स पति हूं गोबर में एग्जांपल लिख दोस्ते दोस कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच है जरा बताए कौन कौन सा है सच है प्लांट एंड एनिमल अच्छा पाई गोबर प्लांट स्पीशी लिविंग और एनिमल सच एज प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्जांपल गोबर में सारी फैट्स एंड ऑयल्स छाकिन कैज यम ते फैट्स टू गोबर में यम ते सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यम ते ऑयल्स यम ते सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेदर यू टॉक अबाउट केरोसिन यू टॉक अबाउट पेट्रोल यू टॉक अबाउट डीजल یا باقی مسین چھ مسٹرڈ آئلز گسن گوبر میون یز یم چھ سری اگر تو وچھو یم چھ گوبر میون کائت پٹن میال مسٹرڈ آئل نی تو یس سر ایکائت پٹی چھ نا پلانٹ پٹی یس سر چھ میالن کین تو یم چھ میون گوبر سری میالن اس فرام لیونگ تھنگز پلانٹس اینڈ فار ایگزامپل ایت اس لیک گوبر میون آئلز فیٹس वेजिटोस आइलस फैट्स हाइड्रोकार्बन और दुनिया हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा दुनिया हाइड्रोकार्बन गोबर में गोबर ही क्लियर नेक्स्ट क्या सच है दैट इज अ मिक्सचर मकलो आज पगह तुलो कुछ टॉपिक तुश पाई न्यूमेरिकल लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम पढ़ा चलो मून गोबर योकन थान शाबाश
व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिक्सचर भाई, एक बात है ना वनन दबन, अगर एक चीज डिफिनिशन ची इंसान क्लियर गाथन ना तमें सीखन ची वारिया मसला हाल गाथन तो शो पाई तो एकुस मसला हाल गो तो आई लोज ना कंपाउंड डिफिनिशन पाई वन ऑलमोस्ट यस सो डिफिनिशन मैं क्या बोलूं तो ए कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज ए यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स टू और मोर कंपाउंड एसएम ऑर्गेनिक कुसम 100% इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन बोल वन वो क्या ह्यूमन बॉडी मन बोल वन क्या एक्चुअली वन चाहे कह चीज गिपेयर गाउन तुम यह वो बनोमुत कमो दो कॉन्स्टिट्यूंट वो एक तो ये बना है हाइड्रोजन से लेकिन दूसरा कौन सा एलिमेंट दैट इज क्लोरीन क्लोरीन एक है हाइड्रोजन दूसरा क्या है कुछ ते खुद काफी मे वो ओक मे वो वन एच सी एल वह ओ यह गो वस एल हसा फ्राम यम जन लीनिंग म्याद ना यह हा तम सिपेयर मगर वन गोबर मे अत कम्पोनेंट्स या कम ज एलिमेंट सह हाइड्रोजन तो बेच क्लोर इसलिए मून गोबर ना वन ना मून गोबर लिसन मी चलो बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं जरा आप मुझे बताए जरा आप मुझे बताए एक और बात मैंने आपसे बोलनी है भाई आयरन है ना आयरन 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 नहीं होता है आयरन ना रस्ट लागन भाई हमारी बॉडी में ट्रेस एलिमेंट आयरन भी प्रेजेंट हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है तथ क्या ना रस्ट लागन तथ क्या ना चलो बाद में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या विकस कैसे ना लेक्चर क्या जैसे पता उसी टाइम मोकला बोल हो तो इन सारी चीज पर हां बेटा लिसन मी आगे ध्यान रखिए मिक्सचर व्हाट इज अ मिक्सचर अ मिक्सचर इज ध्यान अ मिक्सचर मे बी डिफाइनर अ मिक्सचर मे बी डिफाइनर A mixture may be defined. What kya chaas a mixture? May be defined as a union of 100 definition compounds. Thoda kar se. May be defined as a union of two or more elements. Ye cha? Yes sir. Two or more. To jo hala chup definition mein paka. A mixture may be defined as a union of two or more elements. मोर एलिमेंट लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा कंबाइनर क्या कंबाइन टूगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास यहाँ पे मैं बेटा बताऊंगा कंबाइन टूगेदर इन एनी प्रपोर्शन ऑफ मास किसी भी प्रपोर्शन में मैं आपको अभी ये समझाऊंगा बेटा टू आर मोर एलिमेंट कंबाइन टूगेदर in any proportion of mass to supply mion gobar kit kat usho beta for example iron NaCl in water sand in water चलो आग का था वही तो जरा बेटा एक बात मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं तो इवन मैं लिसन मी ये जो आप बीकर क्या हर दिस इज अ बीकर आपने इसमें लिया है 10 ml तमाम चीज आपने 10 ml न्यू तो H2O क्या न्यू बेनी न्यू तो गोबर में यहां मत को बेनू मून गोबर यह मन H2O बेनी तो यह मन गोबर मून साल्ट नून नून तुम नीव पांच ग्राम नीव तो यह NaCl व्हाट विल बी कॉल्ड दिस दिस इज अ मिक्सचर कूत नू नून भाई एक काम कीजिएगा जरा मैं आपको ये सिखा रहा हूं बेटा प्लीज ध्यान रखिएगा वन नीव तो बे 10 ml नीव कूत नीव शाबाश गोबर मून 10 ml क्या नीव H2O तो पाई विंकस नीव तो 20 ग्राम नीव तो यह NaCl व्हाट इज कॉल्ड दिस दिस इज अगेन अ मिक्सचर ओ यूकुन दीव नजर दिस इज अगेन अ मिक्सचर
अगर तुम मून गोबर नियो ना हाँ तो नियो 10 ml नियो या 7 ml नियो वे आ पता ही आके चमचा आवा ये आके चमचा आत मज़े नूमा सेटल इट इज़ अ मिक्सचर गो यूज़न गोबर नियो मिक्सचर चास में उसकी डिफिनिशन क्या है यूनियन ऑफ़ टू और मोर एलिमेंट्स दोन एलिमेंटल हुज़ यूनियन इन कंबाइन गासन कंबाइन टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास मर हक्के उस तो ये वन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास फिक्र तोरा गोबर में तख्त यथ मस्त रहा वन गोबर में डिफरेंस फिक्र ताकि इस तो ये पढ़न कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास ये चु तो ये पढ़न गोबर में कंबाइन टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास बेहो गोबर में दिस इज अ मिक्सचर ये क्या मिक्सचर म्यून गोबर ये तो त्रय में 10 ml में त्रय 100 ग्राम एनएसिया दिस इज आल्सो मिक्सचर तो पाई गोबर नून छुन गसने डिजॉल्व आबस यो सॉरी सैंड छन गसने डिजॉल्व आबस मॉल गस बट स्टिल दैट इज अ मिक्सचर तो शो पाई आयरन फिलिंग सो हास अ पाउडर हिश आयरन यल कुन जेश ना खार क मास कर ताई तो सो हास आयरन पाउडर हिश आस सो त्रय ते आबस में सशन डिजॉल्व गसने आबस मॉल गस सो वाज बेक ताल के लिए स्टिल दैट इज अ मिक्सचर शाबाश अब बात को के वन लिख जो गोबर में टाइप ऑफ मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर क्या यथ मन कंपोनेंट्स आसन गमित मिक्स प्रॉपरली एंड दे टू फॉर्म ए सिंगल फेस यूनिफॉर्म फेस ये तुम त्रावन छो गोबर मून जरा हम आयर की बात करेंगे हमारे बीच में इस वक्त क्या है बेटा आयर है ना तुव वो नाइट्रोजन गैस यह गो ऑक्सीजन गैस बहुत गो कार्बन डाइऑक्साइड कभी आप ऐसा कुछ बोलते हैं ना बहुत जमा उनके सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही ऑक्सीजन था ऐसा होता है नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि बेटा इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ऐसा नहीं है कि तो है कि वही गोबर में एक था ना बहुत जब नाइट्रोजन गैस ही बाकी हजार दुनिया में यही साफ दिया समझन गो इसलिए मोन गोबर क्या मसल जी बात गैस नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बाकी गोबर मोन हीलियम गैस या कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स या बाकी आर्गन गैस सारी आज मिक्स गमित पा बोन कह गैस असान ना इट इज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन और बेटा ये हमेशा एक ही फेज बनाते हैं इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर भाई आप नमक डालते हो ना पानी में नमक डालते हो थोड़ा सा नमक आपने डाला है पानी में फिर आप उसको डिजॉल्व करते हो क्या फिर लगता है वहां पे ही गो नून ब्यून हाँ अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाया होगा नतज नूनस पांच चमचे इसलिए घर घर ना कर त्रा पांच चमचे तथा त्रे चमचे बंद के लिए समझाओ अगर आपने एक स्पून डाला है 10 ml या 20 ml में दैट विल गेट कंप्लीटली डिजॉल्व फिर बेटा वहां पे नमक आून तक सपरेट कहीं तो आब आून कहीं सो अक फेज आना बन तक लिक्विड फेज क्लियर तो बेटा प्लीज राइट डाउन थो मोन गोबर अख लिख ए होमोजीनियस मिक्सचर इज वन ए होमोजीनियस मिक्सचर इज वन ए होमोजीनियस मिक्सचर इज वन यह सो mixture is one a homogeneous mixture is one in which two components mix together yim chin ipkod gasan mix together in such a way so as to form a uniform composition cho banawa hai यानी कि ब्रैकेट में आप लिखेंगे बेटा सिंगल फेज सर वेदर रनआउट्स आउटपुट प्लस
अगर आपने दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए हैं अख आज ज्यादा डेंस ब्या लो डेंस डेंस बन लो डेंस समझाओ लेकिन आल्सो अगर ना अल्कोहल इन वाटर दैट कैन आल्सो फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर क्लियर हाँ बेटा अभी मून गोबर में एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया भी आया है या NaCl NaCl इन वाटर इन H2O एट स्ट्राइक और ग्रीन हीच गोबर में इन सन होमोजेनियस मिक्सचर ठीक वन क्या सोच नेक्स्ट वो क्या बनाते हैं वो बनाते हैं हमेशा हीटेरोजीनियस मिक्सचर ध्यान रखिएगा उसी पे हम आ जाएंगे चलो ये चीज टाइम कूट वो ये क्या अपलोड ना वन चूस टाइम हाँ बेटा सेकंड वन इज हीटेरोजीनियस मिक्सचर हीटेरोजीनियस मिक्सचर हीटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है बेटा प्लीज पे अटेंशन हीटेरोजीनियस मिक्सचर है वो मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं और वो हमेशा दो फेजेस बनाते हैं इन हीटेरोजीनियस मिक्सचर टू कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स प्रॉपरली एंड ऑलवेज टू आर मोर फेजेस आर ऑब्टेंड कुछ मून गोबर तुम त्रो रब त्रो तुम आबस मज या त्रो तुम सैंड इन वाटर तो पाई सैंड रोज बन कनी डिजॉल्व कर सैंड या आब रोज हर लिक्विड फेज गई गोबर मून आब और बन कन क्या गई सॉलिड इथे कट मून गोबर आयरन फिलिंग्स वन आयरन फिलिंग्स इन वाटर गोबर मून आयरन फिलिंग्स तम रोजन गोबर मून बन कन दे विल गेट सेडमेंटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर और पे कन आब आई कटो मिलान हमेशा हीटेरोजीनियस मिक्सचर मेट टू आर मोर फेज आर ऑफ टैट यहां पे बेटा आप लिखेंगे इतने को स्टार्ट करने हमें तो बुचुन जैकी मिक्सचर मिक्स है क्यों तो एक कांच चीज के मगर वहां इट डिपेंड्स वेदर इट इज अ होमोजेनियस आर ए हीटेरोजेनियस नून तो खांड मतलब कात्मस्त्र आ बस नून तो खांड